साठ के दशक के प्रारंभिक वर्षों की बात है। कलकत्ता में खुफिया एजेंसियों और कलकत्ता पुलिस ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया। उसके पास बरामद हुई डायरी में एक बहुत बड़े फिल्मी सितारे का नाम दर्ज था। उस जासूस से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद कलकत्ता पुलिस हवाई जहाज से बम्बई पहुंची और सीधे उस सितारे के घर पर दस्तक दी गई। तब तक इस पुलिस कार्रवाई की जानकारी दिल्ली की शीर्ष सत्ता के गलियारे तक पहुंच चुकी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी बता दिया गया। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। कलकत्ता पुलिस का हृदय परिवर्तन हो गया। पुलिस टीम उस फिल्मी सितारे के घर से यह कहते हुए खाली हाथ वापस लौट गई कि संभवतः वह जासूस उस फिल्मी सितारे का कोई फैन था और फिल्मी सितारे का उससे कोई लेना देना नहीं। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उस जासूस से गहन पूछताछ के बाद आनन फानन में फ्लाइट से बम्बई पहुंची कलकत्ता पुलिस को यह दिव्य ज्ञान उस जासूस से की गई गहन पूछताछ के दौरान नहीं हुआ, लेकिन बम्बई में उस सितारे के घर पहुंचकर उसे वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्यादा शोर मचा तो जांच के लिए एक सरकारी कमेटी बना दी गई। उस कमेटी को तथाकथित जांच के बाद वही दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ जो कलकत्ता पुलिस को पहले ही मिल चुका था, यह कि वह पाकिस्तानी जासूस उस फिल्मी सितारे का बहुत बड़ा प्रशंसक था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान से संपर्क वाले एक रेडियो ट्रांसमीटर के सिग्नल पकड़े। ट्रांसमीटर बम्बई से ही सक्रिय था। खुफिया एजेंसियों की टीम सिग्नल का पीछा करते हुए जब उस स्थान पर पहुंची जहां वह रेडियो ट्रांसमीटर सक्रिय था तो बुरी तरह चौंक गई। जिस मकान से वह ट्रांसमीटर बरामद हुआ वह घर उस समय के बहुत नामी गिरामी उसी फिल्मी सितारे का था जिससे पूछताछ करने के लिए उसके घर कुछ वर्ष पूर्व कलकत्ता पुलिस पहुंची थी। एक बार फिर से चमत्कार हुआ। उस फिल्मी सितारे पर दिल्ली फिर मेहरबान हुई। रेडियो ट्रांसमीटर के विषय में उस फिल्मी सितारे ने बड़ी मासूम सफाई दी कि उसे पाकिस्तानी गाने सुनने का शौक है। भारत में सामान्य रेडियो पर पाकिस्तानी रेडियो प्रतिबंधित है, इसलिए उसने यह ट्रांसमीटर अपने घर में रखा है। इस बार भी उस फिल्मी सितारे की बात को शाश्वत सत्य मान लिया गया। एक जांच कमेटी बनी और उसने भी फिल्मी सितारे के उस वक्तव्य को सत्य घोषित कर दिया। देश को कभी बताया ही नहीं गया कि जो ट्रांसमीटर रखना किसी सामान्य नागरिक के लिए पूर्णतया प्रतिबंधित है और जिसे रखने पर कठोर दंड का प्रावधान है, वह उस फिल्मी सितारे ने कहां से, कैसे और किससे प्राप्त किया। देश की सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों में जिम्मेदार पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति के अतिरिक्त यदि किसी सामान्य नागरिक के पास पाकिस्तानी रेडियो ट्रांसमीटर आज भी बरामद हो जाए तो वह पूरी जिंदगी जेल में सड़ जाएगा। क्या आप जानते हैं कौन था वह फिल्मी सितारा? क्या नाम था उस फिल्मी सितारे का? उस फिल्मी सितारे का नाम था दिलीप कुमार। वही दिलीप कुमार जिसने करगिल युद्ध के समय उसे मिले सर्वोच्च पाकिस्तानी अवार्ड को वापस करने से साफ मना कर दिया था। इसकी चर्चा कहीं किसी मीडिया में आज तक सुनी आपने? जो इक्का दुक्का समाचार आपको काफी प्रयास के बाद मिलेंगे वो इसलिए क्योंकि उनमें दिलीप कुमार की वकालत की गई है। उसे कभी भी प्रश्नों के कटघरे में नहीं खड़ा किया गया। बॉलीवुड के चरणों में लौटते मीडिया और उसकी चाकरी करती सरकारों की कहानी दशकों पुरानी है। आमिर, सलमान, शाहरुख और सैफ अली जैसे संदिग्ध लोगों का महिमा मंडन उसी कहानी की अगली कड़ी है।